वैसे सच बात है, जो भी अच्छा एक्टर होता है ना जो वो आपको उतना एफर्ट कर रहा है जितना हम लोग कर रहे हैं, तो फिर बड़ा मजा आता है। मजा काम करने में, नाम नहीं लेगा दोस्त तो आपका अच्छा एक्टर। अच्छा मेरा लास्ट अभी एक सीजन, अच्छा कोई एक अच्छी यार भाई, मतलब खुदा के लिए कोई ऐसी हीरो है बता रहा भाई, कुछ आयजा के अलावा। चलो आयजा के अलावा दूसरी, आयजा नंबर वन, दूसरी दूसरी अभी मैंने एक लास्ट सीरियल किया था दीवानगी, उसमें लिबा बुखारी मेरे साथ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गुड एंड दैट वाज सच अ गुड सीरियल, यस एंड शी लुक्ड वेरी नाइस लाइक कपल, बड़ा मजे का था। हां जैसे मेहरपोष भी बहुत अच्छा, हां मैं कुछ भी जबरदस्त है, उसमें मेरी बेगम ही थी, तो फिर आप मैं कहेंगे कि फिर तुमने उनका नाम ले दिया। नहीं 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 सही है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और सवाल शुरू करते हैं, थोड़ी सी चिटचैट है। पहला सवाल ये कि यानी मतलब मुझे इतना तो मालूम है कि यू गाइस इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स दैट यू आर मैरिड, और उससे पहले दोस्ती भी 6 साल तकरीबन रही। हाँ लेकिन वो दोस्ती मतलब उसको मैं कंसिडर नहीं करती अब ये 6 साल में, क्योंकि साथ रहना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट दोस्ती की वजह से तो शादी हुई ना। नहीं मुझे लगता है शादी के बाद दोस्ती होना ना वो बहुत जरूरी है। तो फिर पहले क्या था? पहले ऑब्वियसली आप बात करते हैं, अच्छा लगते हैं, ऑब्वियसली प्यार तो था। हाँ, एक एक फील होती है ना, एक आपको कि आपको कोई अच्छा लगता है, उसको देखें आप, ये ऐसे बात करें। इसको नहीं था। नहीं 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 मुझे ज्यादा इसी को था। तभी तो शादी क्यों की? असल में हमने एक चीज, हाँ असल में पहले जो था ये रिवील नहीं किया था, ठीक है, जब तक हम हमारा निकाह नहीं हो गया, मतलब हम लोगों को फील्ड में थोड़ा सा अंदाजा था कि दे लाइक ईच अदर। और तुम लोगों का एक चीज आई वांट टू से दिस कि बड़ा डीसेंट एक बिहेवियर, ऑब्वियसली शादी के बाद ही माशाल्लाह आयजा इज अ वेरी, मुझे लगता है कि जब आप किसी को ओन कर ले ना, तब आप बताइए दुनिया को कि भाई मैं आपके साथ शादी कर रहा हूँ। बड़ी एक जेंटलमैन होने की निशानी मुझे लगता है। अभी मैं साथ घूम रहा हूँ किसी के, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, कर रहे हैं आपके हमारा, मजे की बात नहीं है। इट लुक्स वेरी ऑड शादी के बाद। लेकिन आयजा आजकल बड़ा एक ट्रेंड बन गया ना, ये नए कपल्स नॉट इवन मैरिड एंड दे हैव पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया एंड दे टुगेदर, तो देन वो थोड़ा सा लगता है कि वो एक मुख्तलिफ जनरेशन लगती है। जनरेशन नहीं लगती मुझे, मुझे ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया है ना, आप चाहते हैं कि हर आपकी बात हो रही हो हर वक्त, आपको आदत पड़ जाती है, सो आप कुछ नया ढूंढ रहे होते हो, आप कहते हो अब कपल हो गए हैं, फिर आपके बारे में बात हो रही होती है, फिर अगर एक दो प्रोजेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएं, सो वो चीज़ तो वो एक अलग तरह से लोग वो कर रहे हैं। बट मुझे लगता है ये बहुत एक तरह से खौफनाक वाली बात है, बिकॉज जो भी चीज़ जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, अगर आपकी शादी हुई है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए इन फ्यूचर भी अच्छी है, और अगर आपकी शादी उससे नहीं हुई है तो वो चीज आप ना मिटा नहीं सकते सोशल मीडिया से। Exactly, वो लड़की आपके तो बच्चे जब बड़े होंगे ना 10-12 साल बाद भी जब टाइप करेंगे ना अपनी माँ का नाम या बाप का नाम, तो उसके नीचे जो चीजें आती है ना वो, उससे हमेशा मुझे भी डर लगता है कि वो जो है ना वो ऐसी चीज आए कि कभी उनको कभी हमारी वजह से जरा सी भी कोई बात कोई ना कहे कि बाप ने ऐसा किया माँ ने ऐसा किया, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है ना बच्चों को, तो बच्चों की ना हम स्ट्रेंथ बने, हम उनकी कहीं भी वीकनेस नहीं बने कि यार। और दूसरी हाँ। बड़ी इम्पोर्टेंट आजकल एक चीज है कि लोग पता नहीं शादी से क्यों भागते हैं, उनको लगता है कि यार शादी करके तो हम एक जगह यू नो फंस जाएंगे। हाँ। या क्यों क्यों की जाए शादी, थोड़ा सा और लिंगर ऑन करते रिलेशनशिप को। बिलीव मी और नॉट यू मैरिड ऑल्सो, शादी से खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। आई नो माशाल्लाह। तो जिसने भी साथ रहना है ना किसी के, किसी भी लड़के ने या लड़की ने अगर साथ रहना है, वो हमेशा पहले शादी करें। निकाह के बाद अल्लाह ताला एक तो मोहब्बत एक ऐसी डालता है, वो मोहब्बत पहले कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, exactly. मैं इसके साथ 5 साल मेरे ख्याल से था, लेकिन जब मेरा निकाह हुआ ना इससे, तो वो असल कुदरती तौर पे जो मोहब्बत थी फिर वो पहले नहीं लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये जो मोहब्बत है ना ये किसी और के साथ कभी थी नहीं कभी हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, वरना आपको होता है ये तो पसंद करता हूँ, अच्छा शादी नहीं हुई किसी और से हो गई तो उससे भी वही प्यार हो जाएगा, बट शादी के बाद ही मोहब्बत जो है ना आपकी होती है अगर आप अपने आप को सोचो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इफ यू आर मैरिड देन डिस्क्लोज इट और सोशल मीडिया पे तभी हर जगह, फिर आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे होगे ना आप किसी को जवाब देने होगे, क्योंकि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मेरा शौहर जानता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको बताऊंगी, वो मुझसे पूछ के करता है, तो हम दो लोग एक है, दुनिया चाहे जितना कुछ बोलती रहे आप दो लोग एक रहेंगे ना तो सब डजंट रियली मैटर, दुनिया कुछ भी बोलती रहे। दूसरी चीज सोशल मीडिया पे आजकल ये है कि मैं क्यों बताऊं अपनी पर्सनल चीजें यार। हाँ नहीं बतानी, क्यों बताएं? ये भी अपनी चॉइस है, कई लोग नहीं बताना चाहते। हाँ, नहीं बताएं यार, तो आप नहीं बताइए, मतलब even if you're in the bathroom they're taking pictures in the bathroom, yeah, actually, it's so strange man. If you're having food aap picture le rahe ho yaar aaj main fish kha raha hu bhai, hum kya kare, hum kya kare, tumne kha liye fish।
देखो कुछ ऐसा होता है, कुछ पेड कंटेंट्स होते हैं, मतलब हर कोई एक तरह नहीं काम कर रहा होता। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, कभी मैं कोई चीज लगा रही होती हूँ तो बहुत, मतलब मेरी समझ लिया 99% जो है वो पेड होती है। आयजा पैंपर भी जब बच्चों का बदल देते कि वो लग जाए कहीं पे तो पेड होता है। गेटिंग मनी ऑर्डर देन इट्स फाइन, इफ यू गेटिंग मनी ऑर्डर तो काम है तुम्हारा, सही है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कहीं जाना और जाके कपड़े चेंज करना, और मेरा भी जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम उस पे सिर्फ मेरे काम के अलावा कुछ नहीं होता। बहुत हुआ किसी ओकेजन पे मेरे बच्चों के साथ बीवी के साथ पिक्चर आ गई, बाकी फैमिली मेरा काम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल लाइफ मैं किसी के साथ शेयर करूं। शेयर करने के लिए मेरी बीवी है ना यार, मेरे घर पे बच्चे हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं, सब लोग हैं। बिल्कुल सही है, जबरदस्त यार, क्या बात है। ये एक मैसेज है हमारे बहुत से लोगों के लिए भी, सब यंगस्टर्स के लिए मैसेज आज के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे डिग्निफाइड व्हाटएवर यू आर डूइंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि आयजान यार, अब ये जो बात है ना, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दानिश जवाब नहीं देगा, लेकिन चलो मैं पूछ लेता हूँ कि मैं दे दूंगी, चलो पूछो पूछो पूछो, तुमसे डर नहीं लगता। किसी पॉइंट पे आयजा ने ये तो बोला होगा कि आप ये वाला काम ना करें या ये प्रोजेक्ट ना करें या इनके साथ काम ना करें? कभी नहीं बोला आयजा। नहीं मैंने कहा था ना, कभी बोला ही नहीं, कभी नहीं, मैंने नहीं बोला कभी, प्रॉमिस कभी नहीं बोला आयजा। ठीक है, मैंने फिल्म्स भी की हुई हैं, फिल्म्स में मुझे रोमांस भी करना होता है थोड़ा बहुत, उसने कभी मुझे नहीं बोला। मुझे लगता है अगर आप, अगर आपने, अब मुझे जो है ना एक ऐसे लड़के से शादी करनी थी जो हीरो है, इसमें सारी दुनिया की लड़कियां मरती हों और मेरी हो गई। मुझे हमेशा ना एक होता था ना, मुझे हमेशा हीरो अच्छा लगता था, मैं हमेशा ना अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ, मैं कहा सोचा था मैंने हीरो मेरी हीरो से हो गई, अब मैं चाहती हूँ लड़कियां मरे, मैं तैयार करके भेजती हूँ ना अक्सर दानिश की अम्मी बताऊंगा। पहले आयजा ने लास्ट टाइम मुझे कहा कि मैं ना, मैं तो शूटिंग पे दानिश को ना मैं चने बना के और चीजें बना के देती हूँ। हाँ? मैंने कहा बेगम, मैं कहा यार आयजा इतनी बिजी है, वो कहती दानिश को मैं बना के देती हूँ खाना, तुम क्या कर रही हो यार। अब आयजा ने ये जो पॉइंट बोला है कि मैं चाहती हूँ मेरे शोहर पे सारी लड़कियां मरे, अब मैं जाके बोलूंगा हाँ भाई सब लड़कियां मरे, मुझ पर मरे, तो यही तो बात है ना। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, ये जो आयजा ने बात की, ये एक बहुत बड़े दिल की एक निशानी भी है। ऑब्वियसली शी इज मैरिड एन एक्टर एंड शी नोस कि दिस कम्स विद अ पैकेज, ये पैकेज है। अच्छा, एट द सेम टाइम It's we have a different thinking. Obviously, एक आदमी possessive भी होता है अपनी बीवी के बारे में, एक आदमी का different point of view होता है। तो have you ever told her कि ये काम नहीं करना, ये वाला काम नहीं अच्छा, या यू नहीं करना ये अच्छा, कभी कोई discussion में, कभी किसी बात में? जैसे आयजा अपनी मर्जी से फिल्म नहीं करती, मुझे मालूम अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती, बट क्या एक mutual understanding भी होती है? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। हमारी professional बात जितनी है ना, आपस में भी जब बात करते हैं तो सिर्फ ये होता है कि यार मैं ये वाला स्क्रिप्ट करने लगा हूँ, इसमें इस तरह का कैरेक्टर है। हम कभी ये नहीं पूछते कि ये हमें करना है या नहीं करना, लेकिन डिसाइड करते हैं। लाइक मेरे लिए हमेशा दानिश का जो सजेशन होता है किसी भी कैरेक्टर को लेके, हाँ, मैं सजेस्ट करूं, वो जरूरी होता है, क्योंकि दानिश ने मुझसे ज्यादा टाइम गुजारा है फील्ड में। तो बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ दानिश को पता है कि आयजा तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगी ऑन द सेट, मे बी वो तुम्हारी तरह नहीं समझेंगे, या मे बी वो लेट काम करते हैं, मे बी वो फला करते हैं। सो ये हमारी डिस्कशन होती है, कभी भी ये नहीं होता कि ये तो नहीं करोगी, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैंने मेरे पास तुम नहीं किया होता। एक कैरेक्टर था ना उसमें, और उसमें कुछ जब नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि वो तो उसके लिए दानिश का, मतलब दानिश का था थोड़ा सा हुआ कुछ। मैंने जब उसको पढ़ा था ना, तो मैंने उसको बोला था उसी वक्त कि अगर तो तुम ये कर रही हो ना, तो तुम रेडी रहना कि इसका बैकलैश आएगा, इसका बैकलैश आएगा और बहुत शदीद आएगा। और वो आया, और तुम ये सोच के करना। और मैंने एक रात के लिए उसको वो स्क्रिप्ट दिया था, मैंने कहा था ये पढ़ के खुद डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें। तुम्हारी मर्जी है, ये तुम अपने बिहाफ पे करोगी, मुझसे कभी ना कहना कि हाँ आप मुझे बोलें कि ये अब ये तुम्हारी मर्जी है। तो ना उसमें मेरी मर्जी शामिल थी और ना ना शामिल थी, वो मैंने तुम्हें कहा था देखा यार आ गया ना, मैंने कहा था और आयजा शक्ल देखा कि हाँ यार सही कहा था। उसका पता अच्छा क्या हुआ कि मुझे ये पता लग गया कि ये जब चीजें हो रही होती है ना, तो आपको कभी कभी खामोश रहना जरूरी होता है। मैंने कहीं इंटरव्यूज नहीं दिए, कहीं बैठ के बात नहीं की, क्योंकि ये एक सीरियस बात थी जो हमने ड्रामा किया था। वो लोग उसको ड्रामा समझ रहे होंगे, मगर लोगों की जिंदगियों की कहानियां हैं। जो मुझे लोग मिलना शुरू हुए ना जब वो देखने के बाद, वो उनको लगा कि यार ये हमारी बात को समझेगी,
तो जब ऐसे ऐसे लोग मिले ना जिनकी जिंदगियों में ऐसा हुआ, तो मुझे लगा नहीं ये मैंने एक मैसेज ही दिया है, ये एक मतलब मैं उसको कुछ बड़ा या छोटा कुछ नहीं कह रही, एक कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, वो वहीं तक था। तो अगर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी कि मैंने अच्छा किया था और बुरा किया था, तो मुझे लगता था मेरी बात मेरे कैरेक्टर से फिर ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर है आप चुप रहो और काम चलता रहे। ठीक है, अच्छा आयजा, अगर एक दिन के लिए दानिश को वो सारी ड्यूटीज दे दी जाएं जो आपकी हैं, तो कितने बजे और किस मकाम पर दानिश की बस हो जाएगी? दानिश की, हाँ, दानिश की लाइट खोलने तक ही बस हो जाएगी। कमरे की लाइट खोले हुए मैं सोने जा रहा हूँ। दानिश नहीं कर सकते। नहीं यार मेरा रूटीन जरा यार क्या मुश्किल है, एक मिनट पहले मेरा रूटीन पूछ लो कि होता क्या है। भाई लग्जरी रूटीन है तेरी भाई। इसने कह दिया भाई क्या हो गया? जिम जाना, चिल पे, ये इस बात पे मैं एक मिनट। दानिश का एक टाइम टेबल है जो वो जिंदगी के 10-15 सालों से फॉलो कर रहा है, वो अभी तक कर रहा है। उसे बच्चे आ गए बीच में, आज चेंज नहीं आया। लुक एट माय सेल्फ, अब इट्स बीन ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स, मेरा सेम वेट है। सही माशाल्लाह। अब इसके पीछे कोई तो बात होगी ना, कोई तो प्रोसीजर होगा। अच्छा, हाँ भाई, वो कहते हैं वो तो सिक्स पैक है ना, दिखाना इसके सिक्स पैक से यहां पर कौन कौन से एक्टर हैं। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं, या वो इस इधर गेम हमने आज रखी नहीं सिक्स पैक वाली। चलो रख ले, अभी रख लेंगे। इसको मिलना 3 महीने बाद, देखना इसको चैलेंज ना। सही बात है, सही बात है। अच्छा।